Hello friends, welcome or welcome back to my channel Beautiful Within. Say hi to Buran also. Buran, hi! So, आप लोग सोच रहे होंगे हम कार में हैं. आज का होने वाला है ब्लॉग, ठीक है? ये देखिए, हम जा रहे हैं रिसोर्ट. ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल ब्लॉग है फ्रेंड्स. मैं आपको बताऊंगी स्पेशल क्यों है. तो हम कौन से रिसोर्ट जा रहे हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में. और रिसोर्ट पहुंचते तक भी मैं आपको लेके चलूंगी हम क्या क्या कर रहे हैं ऑन द वे. एवरीथिंग विल बी कवर्ड, सो बी देयर एंड एंजॉय. लोनावला पहुंचे हैं एंड इट्स रेनिंग एज यू कैन सी. मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हैवी रेन्स एंड लॉन्ग राइड. दिस इज अमेजिंग. लोनावला की वादियों, लोनावला के रास्ते. ओह, लुक एट द रोड फ्रेंड्स. पूरे वैली के अंदर से हम पास हो रहे हैं. दिस इज सो अमेजिंग. हम लोनावला में रुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो वॉटरफॉल. रास्ता यहाँ का इतना अमेजिंग था, इतनी अच्छी एडवेंचरस राइड ली है ना. एंड यू कैन सी, मतलब बारिश में ये क्लाइमेट है, आसपास का सिर्फ क्लाइमेट देखो आप, बहुत ही अमेजिंग है. हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि हम लंच करने वाले हैं इन द ओवन. वो वहाँ पे है, मैं लेके जाती हूँ आपको. इट्स सिचुएटेड इन द माउंटेन एरिया, बहुत ही अमेजिंग, लाइक माउंटेन के बीच में ये जगह है. गूगल से ही हमने फाइंड की थी और बहुत सारी तारीफ एंड रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे इस जगह के. सो वी गोइंग टू चेक इट आउट. एंड मतलब जो आने का रास्ता था ना, टोटली अमेजिंग था. तो ये जगह है जहाँ हम जा रहे हैं. एज यू कैन सी द एम्बियंस इज सो अमेजिंग. दी ओवन नाम है इसका एंड वी आर एंटरिंग नाउ. बुरान ने पहले ही सॉस ले लिया हाथ में. लुक एट द प्लेस, इट्स सच अ अमेजिंग अमेजिंग है ये देखो आप. सो ओके, आई एम वॉकिंग ऑन इट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी है. लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग. ये देखो आप, ठीक है. तो यहाँ हम लंच करने वाले हैं. अभी तो फिलहाल बहुत टाइम है लंच के लिए, बट लाइक हमें फोटोज लेने हैं एंड लाइक यू नो, लुक एट दिस सीनिक थिंग, इट्स सो प्रिटी, सो अमेजिंग. मतलब मैं कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, अगर आप लोनावला साइड आते हो ना, यहाँ पे आना, विजिट करना, बहुत अच्छा है. खाना तो मैंने अभी तक खाया नहीं है कैसा है एंड एवरीथिंग, बट द प्लेस इज सुपर्ब. क्या कर रहे हो मेनू के साथ? भूख लगी है? क्या खाना है? पिज्जा. इट्स नाइस. और क्लाइमेट ऐसा है ना फ्रेंड्स, बहुत जल्दी पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है, तो एक एक करके मंगवा रहे हैं क्योंकि बाकी सब ठंडा हो जाए. मतलब क्लाइमेट इज़ लाइक सो कूल ना, ओवन से इतना आके ही इतना जल्दी ठंडा हो रहा है. सो इट्स रियली नाइस, फ्रेश फ्रॉम दी ओवन. हमारे रिसोर्ट के ऑन द वे ही हमें ये दिखा एंड लाइक इट्स सो डैम गॉर्जियस. जस्ट लुक एट दिस, लाइक है ना कमाल की जगह. और वाटरफॉल्स देखो आप यहाँ पे. सो यहाँ पे सेल्फीज ले रही हूँ मैं, भर भर के आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलने वाली है. सो गाइज, हम पहुँच गए हमारे रिसोर्ट. ये है रूमर्स स्काई विला रिसोर्ट, इसका नाम है. और अब हम
जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ, हमारी जो बुकिंग है एंड हमारा विला लेने के लिए फाइनली रजिस्ट्रेशन कर लिया है हमने, तो वो हमें अलॉट करेंगे हमारा विला। तक मेरे हस्बैंड फॉर्म फिलअप करते हैं, मैं आपको रिसॉर्ट का टूर करवाती हूँ। सो ये जो ऊपर है ना वो स्काई है, स्काई विला, ओके। बट हमने लिया है ये पूल विला, ठीक है, ये बुक करवाया है बिकॉज़ इसका रीज़न है, मेरे साथ है मेरा ये छोटा सा नटखट बेटा एंड मैंने सोचा कि हम वहाँ लेंगे तो बार बार वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना, उसका ध्यान रखना एंड ही वॉन्ट्स टू बेसिकली ही लव्स द पूल, उसको पानी में जाना है एंड एवरीथिंग। सो हमने कहा कि हम ये वाला विला ही लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ये रिसोर्ट क्यों आए हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत जल्दी। सो दिस इज़ हाउ द व्यू इज़, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी पीसफुल और मुझे ऐसी जगह चाहिए थी कि मतलब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। जस्ट लुक एट दिस, मतलब बहुत ही प्रिटी है। अभी हम लोग विलास देखने जा रहे हैं एंड फाइनली फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा लेना है बिकॉज अवेलेबल है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऊपर का भी देख सकते हैं, सो लेट अस चेक आउट द विलास। जा रहे हैं स्टेप से, यहाँ का कुछ इंटीरियर है और यहाँ से जो मैं आपको कह रही थी ये व्यू जो है ना लेक का, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्काई विला। बहुत ही पीसफुल एंड डाउन यू हैव दैट स्विमिंग पूल, प्रिटी 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 व्यू फ्रॉम योर। सो दिस वन इज़ द पूल विला एज यू कैन सी, ठीक है, ये अपने ग्राउंड लेवल पे है एंड इसमें भी ऊपर आपको एटिक मिल जाता है। दिस इज़ द एटिक, आई विल टेक यू, हाँ वेट। सो दिस इज़ द रूम एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। सो एटिक में भी लेके जाऊँगी मैं आपको, यहाँ पे बेड है डबल बेड and this is how the washroom is, so this is the view of the room. Now I'll take you to the attic and thoda sa mujhe difficult ho raha hai with the camera and the okay my burhan has come. So attic mein ab main dikhati hu aapko kaisa hai, okay yahan pe main khadi reh sakti hu attic mein hu aur attic mein bhi। Can you see this? It's so beautiful. और यहाँ से आप विंडो ओपन करके पूल देख सकते हो। ये बुरान की जगह है। बुरान तो सो गया अपने बेड पे। So बुरान is going down now. तो ये तो सीढ़ी के ऊपर ऊपर नीचे ही करने वाला पूरे दिन, you know? सो फ्रेंड्स ये है वो सरप्राइज, अपनी सिल्वर बटन की अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो यही आने वाली है। आप देख सकते हो मैंने कहा था ना आपको कि उसको स्विमिंग का बहुत शौक है तो वो चला गया, मतलब मैं तो अपनी शूटिंग वगैरह कर रही थी एंड जस्ट कैन यू सी फ्रेंड्स, मतलब बारिश हो रही है। दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू रिलैक्स, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो ना, एक दिन यहाँ आ जाओ एंड यू आर जस्ट सॉर्टेड, लाइक यू नो माइंड को इतना पीस मिल रहा है ना मुझे यहाँ पे। बहुत ही प्यारे विलाज हैं एंड अमेजिंग है, देखो आप यहाँ पे मुझे बुला रहा है वो स्विमिंग पूल में। बहुत ही अमेजिंग है एंड यहाँ मेरे बुरान को देखो, स्प्लैशिंग वाटर ऑल ओवर। एक्चुअली पूल में जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज बारिश भी हो रही है एंड इट्स कम्प्लीटली फॉग, मतलब पूरा फॉगी फॉगी क्लाइमेट है, क्लाउड्स के बीच में बैठे ऐसे ही लग रहा है यार, रियली मस्त लग रहा है। देखो आप, आई डोंट नो कैमरे पे कैप्चर हो रहा है कि नहीं बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो जस्ट सिटिंग नियर द पूल एंड रिलैक्सिंग। So guys, this is our dinner. So ये हमने रिसोर्ट के रूम सर्विस से ही मंगवाया है। This is our dinner. Some noodles मंगवाए हैं, चिकन मंगवाया है
सो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग लुक है विला का, एंड एज यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली फॉगी। सुबह के 8 बजे हैं एंड फुल नाइट बारिश हो रही थी, एंड अभी जस्ट मैं उठी हूँ तो मैंने देखा विंडो ओपन करके, लाइक इट्स सच अ ब्यूटिफुल व्यू आउटसाइड द विला। इट्स वेरी ब्यूटिफुल आउटसाइड, पूरा फॉग है, एंड अभी नाश्ते के लिए वेट करेंगे और चेकआउट टाइम 11 बजे हैं, तो अभी थोड़ा सा सेल्फी टाइम एंड जस्ट मी टाइम, नाश्ता करने के बाद चेकआउट करते हैं। कुरान भी उठ गया है मॉर्निंग में, एज यू कैन सी अपने एटिक से नीचे आ रहा है। हाउ डिड यू फील? आई फेल 2 times. यू फेल फ्रॉम द बेड 2 times बिकॉज यू रोटेट नो हियर एंड देयर, रोल ओवर, बट यू हैड अ नाइस स्लीप। Yes. You enjoyed? Huh? You want to go back home? No. You want to go or you want to stay? No. What, say properly? I don't want to go. Don't want to go because you love the attic, right? How is it? Guys, हम कर रहे हैं चेक आउट, अभी 11 बज गए हैं, सो वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम द विला, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब बस गोइंग बैक होम। सो लोनावला से हमारे घर तक 2.5 hours लगेंगे हमको, एंड फर्स्ट टाइम आउटडोर शूटिंग था, सो आई हैव माई ट्राइपॉड स्टैंड विथ मी, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो ये वीडियो देख के। सो अंटिल देन आई सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड ऑल द लिंक्स जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, यू कैन डेफिनेटली विजिट, हाईली रिकमेंडेड। सो या टिल देन आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ फैलाते रहें, बिखराते रहें। बाय बाय।